नमस्कार, मैं अभिषेक शर्मा और आज हम पहुँचे हैं ग्रेटर नोएडा के GNIT कॉलेज में, जहाँ पर नोटबंदी पर एक सेमिनार का आयोजन कराया जा रहा है। इसमें हमारे मुख्य अतिथि हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मनीष कुमार जी। तो आइए उनसे जानते हैं नोटबंदी के बारे में कि इसका उद्देश्य क्या है, छात्रों को इस सेमिनार के जरिए क्या सीखने को मिल सकता है। Demonetisation was a phenomenon, now it is old, but it was quite a revolutionary step. दुनिया में ऐसे पहले भी एक्सपेरिमेंट्स रहे हैं। आपका सवाल है कि अब दो साल बाद आखिर ये सेमिनार क्यों किया जा रहा है। तो इस सेमिनार का पर्पज उस पूरे फिनोमिना को A to Z एनालाइज करना। उद्देश्य क्या था, उन उद्देश्यों में हम कहाँ तक कामयाब हुए, उसके फॉलबैक क्या क्या हुए, उस पूरे प्रोसेस को ऑर्गेनाइज करने में कितना एफर्ट लगा, क्या मुश्किलें आईं, इस सब से जो कल के बिजनेस मैनेजर्स हैं उनको लर्निंग मिली और वो वही लर्निंग उनके आगे करियर में काम आएगी। तो जैसा कि नोटबंदी को करीबन दो साल हो चुके हैं, तो इसका देश की अर्थव्यवस्था पर क्या पॉजिटिव प्रभाव पड़ा है, तो कुछ अच्छी चीज़ें निकल कर सामने आई हैं नोटबंदी से? इस बारे में बहुत कुछ दोनों तरफ से कहा जा चुका है और ये कोई एक लाइन में कहने की बात नहीं है कि बट ऐसे एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो इकोनॉमी में एक मंथन पैदा करते हैं। यहाँ पर जो बातचीत हो रही थी वो मनी का क्या रेलेवेंस है। मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है और उसका रोल किसी कंट्री के विकास में कितना होता है, इस पर काफ़ी चर्चा जी। बैकडोर से देखें तो जस्टिस और करेंसी, इन पे भी मनी ने अपने घात लगा दी। हम ये मान लें कि दुनिया का कोई भी जज करप्ट नहीं है, तो भी जस्टिस तो उसको मिलेगा जो बड़ा लॉयर कर सकता है, और बड़े लॉयर्स की फीस 40 लाख 50 लाख भी होती है एक अपीयरेंस की। इतनी आई डोंट नो, जो मैं कह रहा हूं वो एक्यूमुलेट करने में लगे रहते हैं। हम लाइफ को एक्सपीरियंस करना फोकस नहीं रहा, हम वेल्थ को एक्यूमुलेट करते हैं, वेल्थ को एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। हम नॉलेज को एक्यूमुलेट करते हैं, नॉलेज को एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। और अब तो नॉलेज की होर्डिंग, हम अकम्प्लिशमेंट्स को एक्यूमुलेट करते हैं, हम अकम्प्लिशमेंट्स को एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। हम इमोशंस को एक्यूमुलेट करते हैं, हम इमोशंस को एक्सपीरियंस नहीं करते। हम एक्सपीरियंसेस को भी एक्यूमुलेट करते हैं, कहीं जाते हैं तो फोटो खींच करके पहले फेसबुक पर डालना होता है, उस जगह को दो मिनट बैठ सके नहीं। हम रिलेशनशिप्स को एक्यूमुलेट करते हैं, उनको एक्सपीरियंस नहीं करते। किसी के साथ बैठ करके बैठे हैं लेकिन अपना फोन चल रहा है। एक्यूमुलेशन आजकल तो आप लोग बिजनेस के लोग हैं, आपने सुना होगा नेटवर्किंग का जमाना है। नेटवर्किंग इज एक्चुअली एक्युमुलेशन ऑफ रिलेशनशिप्स। आई हैव फ्रेंड्स, शादी के सीजन में उनको 10-10 कार्ड होते हैं, तो शाम को 6 बजे से जो भागना शुरू करता है वो हर जगह, एक जगह गया लिफाफा दिया, दूसरी जगह गया लिफाफा दिया, चार लोगों से मिला, उनके कार्ड लिए, अपने कार्ड दिए। रात को जब वो 1 बजे घर पहुंचता है तो उसने खाना नहीं खाया होता। उसके बाद सबसे पहले वो क्या करता है कि कोर्ट की जेब से सारे कार्ड निकालता है और उनको छांटता है, कौन सा मतलब का है, कौन सा नहीं है, किसको कल कॉल करता है। दैट इज व्हाट आई मीन बाय, सवाल है कि हम इतना सब एक्यूमुलेट करने में लगे हुए हैं क्यों? The urge to accumulate is a direct compensation for insecurity.
जो जितना इनसिक्योर होगा वो उतना ज्यादा एक्यूमुलेट करने लग रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हमारी इनसिक्योरिटी बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? इस अखबार में जो लिखा है उसकी वजह से बढ़ रही है। आदमी, हम सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, मैं क्योंकि बाउंडलेस वर्ल्ड की बात करता हूं इसलिए मेरी बातों में वर्ल्ड ही होता है। सारी दुनिया में आप देखें तो ये जो तीन लड़कियां या इसी जैसी बहुत सारी कोलंबिया चलेगी, उसको किसका सहारा है? उसको रिलीजन का सहारा नहीं है, उसको सरकार का सहारा नहीं है, बिजनेस वहां हो नहीं सकता, उसको मनी का सहारा है। सो द ह्यूमन, आई कॉल दिस ऑर्फनाइजेशन ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। हम लोग बहुत सेफ सिक्योर इंडिया जैसी जगह में हैं, जहां हमको इस सब का डायरेक्ट डे टू डे एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन सीरिया से जो लोग रोज निकल रहे हैं और एक छोटी सी बोट जिसमें 50 लोगों की कैपेसिटी होती है उसमें 300 लोग भर करके, पायलट लेस होती है वो, और उसको समुद्र में छोड़ दिया जाता है कि वो पहुंच गए तो ठीक, अगर बीच में हो गए तो